हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी को, मेरे प्रणाम। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो मैं चैनल सूरज गेम हुए। तो आज हम खेलने जाने वाले हैं हॉरर टेल द किडनैपर। एक नया गेम है, उसमें सिर्फ पाँच ही लाख इसके डाउनलोड्स हैं और एकदम नया गेम है। पर इस गेम के ग्राफिक इतने प्यारे हैं भाई साहब, बड़ा मजा आता है इस गेम को खेलते हुए। और भाई साहब, इस गेम को पार करना भी एक अपने आप में ही एक चैलेंज है और काफ़ी हार्ड गेम है। तो आज मैं इस गेम को खेलूंगा और उसका पहला पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट आएगा, इसके बाद आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा गेम है और इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। मैंने 5-6 बार प्रैक्टिस करी तब मैं ये गेम समझ में आया, अब मैं इसको पार किया, अब मैं इसको आपके सामने पार करके दिखाऊंगा। जिस जिसको दिक्कत आ रही है इस गेम को पार करने की, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। तो गाइस, अब मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूँ, अगर नया हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। मैं नॉर्मल नहीं ईजी रखूँगा, क्योंकि ईजी पर क्या रहता है कि वो भाग के आता हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसको मैं प्ले करता हूँ जल्दी। गेम स्टार्ट हो रहा है और गेम स्टार्ट हो गया। अगस्त 1919, इलोनियस, यूएसए। यूएसए का गेम है, यूएसए की तारीफ होगी और यूएसए की बातें होंगी, यूएसए की जगह होगी। तो आसपास मेरा कमरा है और कमरे के एकदम बॉर्डर में काफ़ी मतलब बेकार सा कमरा है, वैसे फार्म है ये। और यहाँ पे एक आईडी कार्ड है, ये तो मिसिंग बच्चे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इधर कुछ नोट है मॉम की तरफ से, एक्स को रख के लेके आना है, ओके, मैं समझ चुका हूँ। तो जल्दी से गेट खोलते हैं और आगे चलते हैं। गेट बंद कर देता हूँ तो मुझे अच्छा फ़ोन आ रहा है। हेलो, वेयर आर यू एट द फ्री हाउस आर यूजल। छोड़ो, इसको बातें चल रही हैं, मैं जल्दी से एग लेके आता हूँ। मुझे ट्री हाउस के वैसे जाना है, ट्री हाउस के लिए बुला रहा है वो। पहले अपने एग रख लेता हूँ जल्दी। एग में से चूजे ना निकला यार, मैं कुछ भी खोलता हूँ और जल्दी लेके चलता हूँ। और मुझे वैसे तो ये ट्री हाउस को बुला रहा है, पर मुझे अपने पहले माँ का काम खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ट्री हाउस पर जा पाऊँगा। तो पहले सबसे पहले मैं अपना ये इस बकेट में रख देता हूँ, आई मीन बास्केट, और चलते हैं जल्दी ट्री हाउस पर। तो यहाँ पे एनिमेशन चल चुकी है, तो अभी जाएगा ट्री हाउस पे, आराम से चल रहा है। तो हम और तिर आ गया, ओ भाई साहब आ गया, अब क्या होगा। पकड़ लिया, अब पकड़ तो दिखाया नहीं यार इसमें। हम घास पे कमरा, हमें एक और वुडन कमरा दिया है, अच्छा सा कमरा दिया, रह सकते हैं इसमें आराम से हम चाहें तो। और अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हैव टू एस्केप। पहले ईंट उठा लेते हैं और इसमें दे मारते हैं, ले टूट गया। एक और ईंट रख लेते हैं उसकी खोपड़ी में मारने के लिए। आसपास तो दिख नहीं रहा, चलो आगे चलते हैं। इधर तो दिख नहीं रहा है, आगे ही होगा, जल्दी चलते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पहले ओ ये आ रहा है, ले पड़ी छाती में लगी, हार्ट अटैक आएगा इससे तो अभी तुझे। इधर से मैं एक और ये उठा लेता हूँ, क्या पता पीछे से आ जाए तो उसकी खोपड़ी में मारेंगे, हत्ता मार दूंगा खोपड़ी में। इधर कुछ है यार, इधर गैसोलीन वगैरह मिले मुझे, इधर तो कुछ है नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं पहले यहाँ से, अरे फिर आगे ले, अभी छूट गया, लगा ही नहीं इस बार। ले एक और उठा लेता हूँ, अब जाएगा ये, गया। आ जा खोपड़ी मारू, ए छाती में लगी, सर पकड़ा अपना बैन स्टोक्स। मुझे जल्दी से हैमर चाहिए, हैमर से क्या है कि ऊपर मैं छत तोड़ूंगा और उसके अंदर से मैं अपने लिए चक्रा ले आऊँगा, आई मीन टू से साइकिल का टायर लेके आऊँगा, क्योंकि वो टूट रहा है और उसको मुझे बता उसको सेटल करके उससे फिर मैं ट्रैवल कर पाऊँगा। तो यहाँ पे जल्दी से हैमर उठाता हूँ मैं, और हैमर यार वो ईंट पत्थर मारता है ऐसे, वो हैमर नहीं मार सकता ऐसे। हैमर उठा लिया मैंने, अब चलते हैं आगे चलते हैं। वो वैसे ढूंढ तो रहा है हमें, तुम हो कहाँ, व्हाट अ वियर्ड वॉइस, ये तो नॉर्मल वॉइस है यार इसकी, नॉर्मल वॉइस की तब भी ठीक ठाक है, जवान लड़का लग रहा है। और जल्दी तोड़ता हूँ, आ रहा है शायद, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, है कहाँ जा रहा है, पागल है क्या, कहाँ जा रहा है तू, पागल है। मैं उसके सामने से कूद गया और उसे मालूम ही नहीं पड़ा ये क्या, दिमाग खराब है इसका, वही यार बूढ़ा तो है नहीं, तू जवान है, देख अभी ऊपर से कूदेगा, मुझे फिर घूम के जाना पड़ेगा उल्टा। जल्दी भागता हूँ, और ये पीछे से पकड़ लेगा, स्लैप मारेगा ऐसे करके। इधर तो मैं इधर से ही जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा फिर से, क्योंकि इधर से बाहर घूमना पड़ता है, वो तो है नहीं इधर। फिर से ऊपर जाता हूँ मैं, ऊपर चला गया हूँ, अब मुझे जल्दी से यहाँ से टायर ढूंढना पड़ेगा। और मुझे फिर से एक कॉल आ रहा है यार, कॉल मत करा करो, डिस्टर्ब मत करा करो, वैसे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, लायर मुझ पा रखा है किडनैपर ने मुझे। इधर तो किडनैपर है नहीं, जल्दी से मैं फंसाता हूँ उसको, वाइफ पे फंस चुका है ये। और जल्दी से मैं हैमर लेके आता हूँ अपना, और हैमर कहाँ है मेरा, हैमर कहाँ है, हैमर नहीं, अच्छा ऊपर डला है ना, अभी तेरी आ गया, ये तो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ, चढ़ चढ़ चढ़। अबे बेवकूफ़ ये पूरा यार, कुछ भी कहो बेवकूफ़ ये पूरा, मतलब मैं इसके सामने से चढ़ रहा हूँ, सामने से पकड़ सकता है मैं, इतना बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा है। तो सामने से भाई, मुझे सामने से पकड़ सकता है, मैं लैडर चढ़ रहा हूँ और सामने से पकड़ सकता है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा जल्दी से मुझे। और यहाँ से ट्री हाउस चलना पड़ेगा, तो ट्री हाउस जल्दी चलते हैं। सबसे पहले ट्री हाउस पे आ चुका हूँ, एनिमेशन चल रही है, तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी है मैंने। और मैं जल्दी पहले हैमर लेता हूँ, क्योंकि हैमर ले लेता हूँ, फिर हैमर क्या है कि उसके जो नोट देगा ना, जो चीज़ उसे चाहिए बचने के लिए और यूज़ करने के लिए, वो उसमें यूज़ आएंगी।
जल्दी से मैं चलता हूँ वेल्ट ऊपर, अभी तो वो है नहीं यहाँ पे, तो जल्दी से ऊपर चलता हूँ। ये रहा मेरा दोस्त, अब इनकी कॉन्वर्सेशन सोचते हैं थोड़े। Tom, finally! Harry, you won't believe it! I saw him! Who? Kidnapper! He caught me on the road in the woods and locked me up! It was a miracle that I escaped from him! Oh my gosh! Are you serious? No way! Is that really a witch? Harry, it's not a witch! That's a stupid rumor! अबे तेरी आ गया, ये तो इधर ही आया, ढूंढता ढूंढता पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आ गया ये भाई। तू आया किससे बे, और पूछे क्या है? अच्छा हाँ, हैमर। Shit, what do we do? Harry, take it easy. Our parents will be back soon, so we just have to wait for them. Just wait? It will be evening soon and he'll get to us tonight for sure. He won't if we're ready for it. We could fortify the headquarters so he doesn't catch us. What do you think? Oh, give me a second. I have a couple of ideas. Let me write a list of items I need. Here. Get me these items. I'll upgrade the tree house and we can get through the night here safely. And you're just going to sit here and wait? Tom, you know me. If I were near him, I'd die of fright. Get me these items and I'll make things that will surprise you. Okay, I'll try. Just be careful. Don't get caught. If I don't come back, I bequeath my bike to you. Tom, stop it! I'm scared enough as it is. Just kidding. ओके चलो आगे का गेम प्ले करते हैं। और पहले उसको हैमर पकड़ा देते, क्योंकि हैमर ये क्रॉस हो जाएगा फिर। ले हैमर हो गया तेरा, वेरी गुड। अब हमें चाहिए बैनकुलर, बैटरी, रोप, नेल्स एंड कैंप चाहिए हम लोगों को। तो सबसे डेथ पार्क, आई लव दिस गेम, बहुत खेला है मैंने आप पोस्ट भी डाली थी गेम स्टार्ट करने की, नहीं अभी तक स्टार्ट नहीं करा है। तो थोड़ा झूल लेते हैं, मजे कर लेते हैं। वो ये आवाज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। उस गेम के जो ग्राफिक्स हैं यार, कितने प्यारे हैं ना, मतलब कितने प्यारे ग्राफिक्स हैं इस गेम के अंदर। मुझे काफ़ी प्यार हो गया इस गेम से कहूँ तो। इधर तो मुझे कुछ शायद नहीं मिले, क्योंकि ट्री हाउस मेन चीज़ यहीं पे, सब कुछ कलेक्ट करके यहीं पे लाया, तो मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। हमें यही बात है। वो नाइफ का तो कोई काम ही नहीं है अपना इस गेम के अंदर। नाइफ पता फालतू में दे रहा है, कुछ काम नहीं है नाइफ का। इधर तो हम कुछ कर नहीं सकते नाइफ का। आगे चलते हैं, आगे कुछ हो पाए तो हो जाए। इधर तो आई थिंक कोई नहीं है, और जल्दी से चलना पड़ेगा, काफ़ी टाइम खा रहा है ये। कोई है आसपास? किडनैपर क्यों छुप छुप के दिखता है ऐसे ऐसे, तो उसका भरोसा नहीं कर सकते। ईट उठाते हैं पहले और गेट खोलते हैं, कुछ तो मिले अंदर। फेंको। तो अंदर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है हमें। डोर खोल दिया हमने, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं मिलता यार, क्या किस्मत है। इधर तो कुछ देते ही नहीं, तो दे क्यों रखा है गेट? बस एक न्यूज़पेपर डाल रखा है, ये चने वगैरह मतलब वीट वगैरह दे रखे हैं, और कुछ नहीं है। इधर ये तो बेकार चीज़ है यार ये, क्योंकि पहली बार जब मैं खेल रहा था तो यहाँ से मुझे मूर्ति मिलती है, अचीवमेंट्स होती हैं। पहले जल्दी से मुझे अपनी बाइसाइकिल लेनी चाहिए। वैसे यार वो पीछे से आ रहा, उसने मुझे देख लिया है, तो मुझे आगे चल के भागना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। यार ये देख और लेता है, मैं कैमरे में देखूँ क्या, इधर देखूँ ज़्यादा? तो वो मेरे पीछे उसको मैंने घुमा दिया है, तो वो तो पूरा डाइवर्ट हो चुका है। तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि पता है वो कब का पीछे छोड़ देता है। लेकिन गेम में पता नहीं क्या ग्लिच है, तब भी म्यूज़िक चलता ही रहता है। अब जल्दी से मैं चलता हूँ, और इसमें मैप पे निशाना लगाता हूँ कहाँ चलना है मुझे। तो सबसे पहले हम कहाँ चलें, आई थिंक फार्म चलें, फार्म में चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, फार्म जाना बेटर रहेगा थोड़ा। फार्म पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। मैंने पहले भी कहा था गेम के ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, अगर हम ये पीसी पे खेलते तो भाई साहब क्या ही ग्राफिक, क्या फील आएगी। तो मुझे शायद यहाँ से गैसोलीन मिलेगा शायद, यहीं पे गैसोलीन डला रहता है मेरे हिसाब से। तो आइस ओ त्रिभुव तो वहीं घूम रहा है भाई साहब, फिर पिछवाड़े पर मारेंगे एक। तो इधर तेरे मेरे पास कुछ आइटम नहीं है जिससे मैं मार सकूँ। वैसे तो इधर गैसोलीन डला रहता था यार, इस बार दिया नहीं इधर, इधर तो कुछ नहीं मिलेगा हिसाब से। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो आसपास एक बार चीज़ देख लेता हूँ कुछ मिल जाए ढंग का फूंका मुझे, जैसे मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि ग्रैनी में मैं एस्केप नहीं कर। फिशिंग रॉड मिल गई, इसको मैं ले जाके वहाँ पे क्या कहते हैं ट्री हाउस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए जगह थी, जहाँ से हम बताया पॉन्ड था ना, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसे। इधर तो कुछ नहीं है, हम तो देख ही नहीं सकते, और ये कह रहा है मैं इधर यूज़ ही नहीं कर सकता। यूज़ कौन कर रहा है यार, देखने तो देता है एक बार क्या चीज़ है। देखो वो वहाँ पे घूम रहा है उधर, जल्दी से वो जब तक पीछे घूमेगा तब तक मैं आगे से निकल जाऊँगा। निकल जा। अरे यार देख लिया एट दी एंड उसने, आवाज़ आ गई। अब मुझे उसको गोल घुमाना पड़ेगा पहले, मुझे बचना होगा। पर नहीं देखा। वो कहाँ चलना, ट्री हाउस चलना है पहले। ट्री हाउस जल्दी निकाल, स्किप करो उस पार्ट को। ट्री हाउस चलो भाई, पहले ये आइटम ले लो और जल्दी से निकल लो भाई साहब, चुपके से छोटी छोटी पतली गलियों से वो रास्ते पे। ये तो गेट खुला है, हाँ मैंने सोचा कि यार ये तो बंद कर, मतलब खोल के गया था मैं, बंद कैसे हो गया? इधर से ना आ जाए, क्योंकि एकदम अलग रास्ते से जा रहा हूँ, वो अलग रास्ते पर ना आ जाए। अभी तेरी आ गया इधर से यार, ये हमारे पास ही घूमता रहता है,
काफ़ी मतलब इस गेम का यही है कि अगर हम बताएं मान के चलें कहीं छुपे हैं तो उधर ही आता है, उधर ही घूमता रहेगा ये, और दूर नहीं जाएगा क्रैनी की तरह। तो जल्दी से फिश पॉन्ड पे चलते हैं, इसको तो मैंने डाइवर्ट कर दिया है, वो अपने पास नहीं आएगा। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ और अपने फिश पकड़ते हैं थोड़ा। फिशिंग टाइम इधर तो ओह यार क्या ही मतलब क्या इतना अच्छा मौसम हो रहा है भाई साहब, काश इधर होता। देखो फिश ये रही अपने पास, अब फिश लेके जल्दी से हम बताया हमें कहाँ जाना है, लायर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कैट होगी, कैट को फिश देनी पड़ेगी हमें। तो लायर के पास चलते हैं जल्दी से, कोई प्लीज़ इस पास मत मिलना, पिछली बार तो मिल गया था यार, समय बहुत ख़राब करता है, टाइम पास है एक तरह का। अच्छा मैंने हार्ड नहीं करा ना, मैं नॉर्मल करा ना, बहुत स्पीड से पकड़ता हूँ मैं एस्केप भी इतनी आसानी से नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने सिर्फ उसको एक बार एस्केप करा 6 बारी में से। उसको जल्दी रखते हैं और चलते हैं यहाँ पे वुडन है क्या कहते हैं स्वेमिल के पास, तो जल्दी से चलते हैं इधर, इसको स्किप करते हैं पार्ट को। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे लकड़ी कारखाने में, पहले तो अपनी फिश पकड़ते हैं, जल्दी पकड़ फिश वरना वो इधर आ जाएगा। जल्दी से आगे चलते हैं और शायद वो इधर ना हो, मेरे हिसाब से इधर ही घूमता रहता है लेकिन इस बार तो नहीं है, चलो अच्छी बात है अपने लिए। जल्दी से ऊपर चलते हैं और कैट को पकड़ते हैं, और कैट बड़ी बेकार, इसके अंदर मैं वैसे ट्राई कर रही था जाने की, वो मना करती है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी भाई साहब। कूदते हैं और देखो ये कितनी प्यारी सी कैट है आई था, देखो कैट भाई कहाँ जाएगी तू, इसको लेके कहाँ जाएगी तू, कहाँ जा रही है, कहाँ जा, गायब अब नहीं मिलने वाली है, गायब हो गई। जल्दी से आगे चलते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, इधर क्या मिलेगा, बैनसुलर बस, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, काफ़ी हेल्प करी है मुझे। वो दिख नहीं रहा वैसे कहीं, चूहा कहीं का, रैबिट मतलब रैबिट, चूहा नहीं रैबिट है वो इधर, तो मेरे हिसाब से वो नहीं है अभी। तो जल्दी से बैनसुलर लेके मैं जाता हूँ और इसको सबमिट करा देता हूँ। अरे आ गया, फिर आ गया यार, फिर आ गया, जल्दी 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 भाई साहब, बच रहे भाई साहब बच रहे। अरे 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 कहाँ जाऊँ यार, कहाँ पकड़ लेगा ऐसे तो। अरे एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, आ जाओ एक ट्रिक बताता हूँ, देखो वो आ रहा है, तुम्हें क्या करना है कि इसके ऊपर चढ़ना है। मैं तेरे सामने हूँ और तू, अब देखिए जैसे ये चढ़ेगा ना, अब देखना ये चढ़ेगा, तुम कूद जा, कुछ नहीं कर पाएगा ये भाई साहब, कितना बेवकूफ़ है वे। अबे अभी तेरी जल्दी आ गया, जल्दी चल जल्दी पकड़ लेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, वो तो पकड़ नहीं पाया यार, इधर तो कोई नहीं लगता, एक हफ्ता नहीं मैं बैनसुलर छूट जाएंगे फिर। जल्दी से मैं चलता हूँ, और ये तो बहुत पीछे छूट गया है, तो मेरे हिसाब से मुझे ट्री हाउस जल्दी जाना चाहिए। इधर तो मेरा भी कोई काम नहीं, मैं अगली बार जब गैसोलीन मिलेगा तब मैं आऊँगा यहाँ पे। जल्दी से मैं चलता हूँ और इसको मैं पैक तो अपने यहाँ बास्केट में रख लेता हूँ, उसके बाद अपना ये ट्री हाउस पे चलता हूँ, उसको सबमिट करा देता हूँ ये मैं चीज़। हम ट्री हाउस पहुँच चुके हैं, अब मुझे जल्दी से उसको सबमिट कराना होगा। ऊपर जाता हूँ और ये ले भाई, ओ तेरी क्या हुआ वैसे, अबे ओ मुझे लगा कि क्या हो गया, ये तो लटक गया, अबे बच गया, ये तो सो रहा था, अरे मजाक कर रहा है, केचप खा रहा है, ये तो बर्गर खा रहा है, कहाँ से लाया बर्गर, अभी धोखेबाज कहीं का। बैटरी रोक नहीं, सौ कैन सौ चाहिए मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं, आसपास ही घूम रहा है वो, जल्दी भाग भाग भाग, ठीक है बोस, जल्दी, कोई नहीं है कोई नहीं, रास्ता क्लियर है, ओके ओके रास्ता क्लियर है, कोई नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। मैथ्स में मुझे जल्दी से जाना होगा, यहाँ पे कहाँ जाऊँ मैं, स्कूल चलते हैं पहले, स्कूल आज स्कूल काफ़ी दिनों से नहीं गए स्कूल, स्कूल चलते हैं। स्कूल पहुँच चुके हो भाई साहब, स्कूल बिल्कुल जाना पसंद नहीं है इस लड़के को, अभी देखना है खुद कहेगा, ओ नो पीपल नो क्लासेस आई वी ऑलवेज लाइक दिस, ओहो यार दिल की बात चला ली इसने तो, मुझे भी ऐसे काफ़ी ऐसे ही पसंद है मुझे भी। इधर गैसोलीन भाई साहब इधर मिल गई, मुझे तो लगा था कि ये अपने फार्म पे मिलेगी, चलो अच्छी बात है गैसोलीन मिल गई है। जल्दी से मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ, चलते हैं फिर से ट्री हाउस पे नहीं वुडन लेयर पे या स्वेटर पे। इधर फिर से लकड़ी के कारखाने आ चुके हैं और जल्दी से मैं इसको पकड़ता हूँ और जल्दी से मैं उसके अंदर भर लेता हूँ ये, जैसे मेरी मशीन चल पाए। तो सबसे पहले उसको मैं अंदर डाल के आ जाता हूँ, तो उसको मैं पहले खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ और देख के आता हूँ कि अंदर क्या क्या है। मैंने यहाँ पे शायद ईंट लगानी होगी, तो उसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, एक और कॉल आ रहा है, कॉल सुन लो। अरे डिस्टर्ब मत कर भाई साहब, डिस्टर्बिंग, इतने मुसीबत में फंसे हुए हैं हम लोग, अरे वो खरगोश कभी भी आके हमें पकड़ सकता है, वो तो मैं इतना प्रो हो गया हूँ गेम में, इसलिए बचा फिर रहा हूँ। या मैं कच्चे के पास ईटे थे यहाँ, जल्दी से उठा लो उसके सर में मारो, होता ले आ गया ले, अरे कहाँ मार दिया तूने, जल्दी जल्दी चल वो पीछे ही अपने, आ जा तू तो आ जा भाई, मेरे से कुछ नहीं कर पाएगा तू, जल्दी से नीचे चलते हैं, वो आ नहीं सकता है, मैंने देखा कि ग्रैनी जैसा ही है ये बता, ग्रैनी से तो अच्छा ही है, वो तो कूद भी नहीं सकती, तो कूद सकता है लेकिन ये बता नीचे नहीं आ सकता, इसको तोड़ो जल्दी से, इसमें गैस ले लो और उसको यहाँ पे फिल कर दो। फिर होने के बाद ये पूरा भर चुका है, मशीन चल चुकी है, मुझे बटन चाहिए ऊपर, मुझे ऊपर जाना होगा, जिससे मैं बटन दबा दूँ, वो बटन दबा अंदर, अरे फिर आ गया ये यार, फिर आ गया, जल्दी से बचना पड़ेगा, तो थोड़ा घुमा देता हूँ मैं यहाँ पे ये फिर घूम जाएगा, तो मैं आसानी से अंदर जाके बटन दबा सकता हूँ। चाबी तो आई वहाँ पे टेबल पर डली थी, और वहाँ से देखो कहाँ है वो,
वो रहा, ठीक है मैं यहाँ से पहले निकल लेता हूँ, पहले चाबी पकड़ता हूँ और उसके बाद ये कही ले की ले और फिर अब दरवाज़ा खोल देता हूँ, वो पीछे ही आ रहा है, मैं जल्दी से जो भी काम करना है, अरे यार पीछे ज़्यादा पास आ गया वो मेरे, मैं थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, देखते हैं आता है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, मालूम ही नहीं पड़ रही। एक काम करते हैं जल्दी से, पहले मैं दरवाज़ा खोल आता हूँ, मैंने अपना टाइम वैसे ही वेस्ट कर लिया अपना, वो आ जाएगा जल्दी से, ताला खोल दिया, वो आगे बच चुके। अब मैं तो यही तो है इसकी बेवकूफ़ी, मतलब ऐसे हाथ करके नहीं पकड़ सकता ये, ऐसे हाथ करके देख कितना बेवकूफ़ बना दे रहा है यार, गेम में थोड़े ग्लिचेस बेकार हैं ये, लेकिन आगे चल के ये चैप्टर 2 में ठीक हो जाएंगे। तो इधर तो ये मुझे कलकत्ता ही नहीं पकड़ पाएगा अगर मैं नॉर्मल ईजी पे खेल रहा हूँ तो, वो मिल जाएगा ऊपर जा, मुझे देख लिया जल्दी से बटन दबा के आता हूँ मैं तो, भगलूँगा ये तो वैसे ही बेवकूफ़ बना देता है। गेट खोलता हूँ मैं और गेट खुल गया, अच्छी बात है पहली बार में खुल गया, बटन दबा देता हूँ, चल गई मशीन, मुझे जल्दी से भागना होगा ना, वो पकड़ लेगा मुझे, वो आ रहा है, जल्दी जल्दी कूदना, जैसे जैसे बच गया, जैसे गेट खोलता हूँ मैं, गेट खोल, ये मेटेलिक सीजर, यस मेटेलिक सीजर मिल चुकी है, मैं गेट खोलना पड़ेगा, मैं अब गेट खोल देता हूँ मैं, अभी हाँ जी खड़ा ही यार, जल्दी भाग भाई साहब, फट गए मेरी तो, जल्दी भाग भाई साहब, बड़ा डर लग जाता है, यू कांट आउट स्मार्टर में, अबे बेइज्जती अभी करा दी है, जल्दी से चलता हूँ मैं अपने स्कूल, स्कूल जाना पसंद नहीं है सीधी बात यह है इस लौंडे को, लेकिन तब भी मजबूरी में जाना पड़ रहा है ऐसे, तो जल्दी से पहले हम स्कूल निकलते हैं, और पहले तो सीजर लेता हूँ, और मुझे इससे पहले एक बास्केटबॉल चाहिए, तो बास्केटबॉल जल्दी से ले लेता हूँ मैं, ठीक है मिल गया आगे भाई साहब उसने देख लिया, जल्दी बास्केटबॉल ले लेता हूँ यार, वरना पकड़ लेगा, बास्केटबॉल गोरी जल्दी पकड़, बास्केटबॉल ले ली, आजा तेरे सर में खोपड़ी में मारूँ, आजा ढिले इंसान, हेडशॉट नहीं पड़ा, पेड़ शॉट पड़ा ये तो, और जल्दी से इसके सामने से एकदम कोने से निकला, कोने से कुछ पकड़ भी नहीं पाया, गैनी मार तो भी लेती है, स्प्रे मार दो उसके मुंह पे, तो वो तो अंदर ही है अभी, आने वो नहीं आने वाला, जल्दी से मैं इसको बाउंस फेंक, पहले फेंकता हूँ, फेंक दिया, ये आ गई लेटर, आ गई आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हो कि करते कैसे थे, क्योंकि ये लेटर आए कैसे के नीचे, इस बास्केटबॉल का काम क्या था, लेकिन अब आपने देख लिया तो आप इजीली कर सकते हो ये काम, तो मैंने अरे यार मत गिर, वो आ जाएगा पीछे से, तो अभी काम इजीली कर सकते हो, मैंने आपका बहुत बड़ा डाउट सॉल्व कर दिया इस गेम के लिए, तो जल्दी से इसको मैं तोड़ता हूँ, फाड़ दिया मैंने, मैं तोड़ दिया मतलब काट दिया, मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे इसके लिए बहुत सीजर और चाहिए यार, सीजर और लेके आनी पड़ेगी, उफ यार सीजर लेके आनी पड़ेगी इसके लिए मुझे, अब सीधर के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा और कहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए। और मैं तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इसमें इंटरेस्ट आया और काफ़ी सारे डाउट सॉल्व हुए हों उस गेम को लेकर, उस गेम को कैसे पार कर सकते हैं, थोड़ा भी आइडिया लगा और थोड़ा भी मज़ा आया हो ना, तो गाइस इस मेरी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, और गाइस ये गेम बड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट इसका आएगा जल्दी, तो गाइस अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो थोड़ा वेट करो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।